अस्सलाम वालेकुम, मैं फरहान रशीद, मुस्लिम ब्लॉगर। ये IMA का जो केस है, फ्रॉड केस है, वो आप लोग जानते हैं। पिछले 3-4 दिनों से क्या क्या हो रहा है और इसके बारे में आप लोगों ने 2 ऑडियो मैंने रिलीज़ किया था दूसरे चैनल से। मैं अपने चैनल से ये वीडियो मैसेज रिलीज़ कर रहा हूँ। इंशाल्लाह हम लोग भूख हड़ताल पे जाके स्टेट गवर्नमेंट को प्रेशर करने के लिए हम लोग परमिशन के लिए अपील किया है। परमिशन अभी नहीं मिला है। और सबसे पहली बात तो यह है कि पहले हमने भूख हड़ताल करने से पहले 2 दिन का टाइम हमने दिया है मंसूर अहमद खान के लिए। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो में ये मैसेज जो है वायरल हुई है, ये मैसेज मंसूर खान के लिए है। अस्सलाम वालेकुम मंसूर खान साहब, IMA के CEO मंसूर खान साहब, अगर आप ये मेरा वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपके लिए एक स्पेशल मैसेज है। आप कहते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी अच्छी चल रही है और कोई भी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है वो हमें नहीं पता है, आपने किसको पैसा दिया वो हमें नहीं मालूम। आपको पैसा दिया था IMA के इन्वेस्टर्स ने, तो आपको जवाब देना है। आपका ऑडियो में जेन्युइनिटी नहीं लग रही है, कुछ बोलते हैं कि ये जेन्युइन नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं ये जेन्युइन है। बेहतर है कि आप वीडियो दीजिए। आप इंडिया में नहीं है, हो सकता है, या इंडिया से बाहर है, हो सकता है, दुनिया में कोई भी कोने में रहिए, आने की ज़रूरत नहीं है इंडिया, वो बात की बात है। आप एक वीडियो रिलीज़ करिए और बताइए कि कंपनी के क्या क्या एसेट्स है और कंपनी की क्या हालत है। और पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के अलावा आप ये स्टेटमेंट दीजिए कि लोगों को पैसा कब तक देंगे, कैसे देंगे। और अगर आप नहीं आ पा रहे तो गवर्नमेंट को आप कोई भी मुल्क में हो वहाँ से एक एडवोकेट हायर करके रिमोटली, मैं मुस्लिम ब्लॉगर और पीस फॉर ह्यूमैनिटी के सलीम पाशा जो प्रेसिडेंट हैं, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट, दोनों इनिशिएटिव लेते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं। पर आप एक एडवोकेट हायर करके एक फावड़ा फटा नहीं दीजिए गवर्नमेंट को, ताकि सारी प्रॉपर्टीज़ जो भी एसेट्स हैं उसको लिक्विडेशन करके इमीडिएटली, ये केस CCB में है, CBI में है, ये सब छोड़ दीजिए। आप बोल रहे थे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कौम के लिए मदद कर रहे हैं, तो कौम के लिए अभी करिए, जो हो गया सो हो गया। आप अभी सोचिए उनके बारे में और एक वीडियो के ज़रिए उनके लिए मैसेज दीजिए और गवर्नमेंट को भी एक मैसेज दीजिए कि पब्लिक को पैसा दे दिया जाए, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा दे दिया जाए। आपको 2 दिन का वक्त दिया जाएगा। आज तारीख 13 तारीख है जून 2019, और 14 और 15 तारीख तक हम आपका इंतज़ार करेंगे। आपका वीडियो आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो हम पीस फॉर ह्यूमैनिटी जो NGO है, सलीम पाशा उसके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने सपोर्ट देने के लिए वादा किया है, वो सपोर्ट करेंगे। और मुस्लिम ब्लॉगर मैं, यानी कि मैं, दोनों मिलके भूख हड़ताल पे जाएंगे पब्लिक के लिए। और जब तक लोगों को पैसा नहीं मिलेगा हम लोग ये करने वाले हैं। इसलिए आप से गुजारिश है कि आप वीडियो रिलीज करिए, नहीं तो हम ये केस जो है CBI को हैंडओवर करने के लिए प्रेशर करेंगे और किसी भी हद तक हम जाएंगे, किसी भी हद तक, मतलब आप समझ लीजिए मामला सेंसिटिव है। CBI के पास अगर केस चला जाएगा तो आप कोई भी, दुनिया के कोई भी कोने में आपको ढूंढ के यहाँ ला के ले आ सकते हैं। इसलिए आप बेहतर है कि इसको लाइटली मत लीजिए। आपने मुझे पहले लाइट लिया था, लेकिन आपको मालूम पड़ गया कि ये फुटपाथ वाला क्या किया आपके लिए। तो आप ये वीडियो मेरा देखने के बाद पूरी IMA इन्वेस्टर्स को जवाब दीजिए। अपनी वीडियो, ऑडियो नहीं चाहिए हमें, आपकी वीडियो चाहिए। अल्लाह हाफिज़। IMA के इन्वेस्टर्स में भाइयों दोस्तों, इस वीडियो को इतना वायरल करिए कि मंसूर खान तक पहुंच जाइए। अल्लाह हाफिज़।